हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बाय चूज ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जो हम लोग करने वाले हैं ना, देखा जाए तो मैथ पार्ट वन का रामबाण है। क्या है? रामबाण, सजीवनी ब्यूटी बोल सकते हो। आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट को हलवा बनाने वाले हैं, उड़ा देंगे वो एक ही लेक्चर में उड़ा देंगे उसको। चलो तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट, मैथ पार्ट वन का थर्ड चैप्टर का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक है इसमें से क्वेश्चन एक आने वाला है, ठीक है? अगर नहीं आएगा तो 3.1 3.4 से तो आता ही है। चलो तो पहला सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे आज। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा? द फोर्थ टर्म ऑफ, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, एंड से फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, एंड से फोर्थ वाला टर्म, ठीक है? इन एन एपी, तो एपी गिवन है, गिवन एपी, क्या दिया है यहां लिखें, गिवन एपी, बेटा इसमें इंग डालेंगे, गिवन एपी क्या दिया है, -11 -8 -5 -49, एंड से फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, अंतिम से, लास्ट से चौथा टर्म, फोर्थ वाला टर्म, ठीक है? तो पहले सार्थक, अगर मैं ये बोल दूं कि बेटा ये अपना 20 वाला टर्म है, तो यहां से लास्ट वाला फोर्थ कौन सा होगा? इसके पहले t19 होगा, इसके पहले t18 होगा, t17। अगर ये 20 वाला है तो एंड से फोर्थ वाला क्या होगा? समझा? तो पहले ये कौन सा टर्म है वो तो पता चल जाए, ये कौन सा टर्म है वो तो पता चल जाए, वो टर्म निकालेंगे पहले। क्या निकालेंगे? टर्म निकालेंगे। वो टर्म निकालने के बाद इसको हलवा बना देंगे। तो बच्चों यहां देखेंगे, तो पहली बात देखो क्या दिया है, फर्स्ट टर्म t1 इज नथिंग बट a -1 -11 है, t2 इक्वल्स टू -a, और इसको हम लेते हैं लास्ट टर्म tn, क्या दिया है 49। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं, t2 - t1 आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों -8 - -11, तो -8 + 11 क्या हो गया, 3। समझा? इतना हलवा है, वेरी गुड। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट टर्म, ये कौन सा टर्म है, उस टर्म का वैल्यू दिया है, मतलब n की वैल्यू निकालना है। वो कौन सा टर्म है मतलब n की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है? चलो जनरल टर्म का फॉर्मूला बोलो, tn का फॉर्मूला बोलो बेटा, वेरी गुड, tn इक्वल्स टू a + n - 1 × d। बहुत बढ़िया, सिंस tn इक्वल्स टू a + n - 1 × d, तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू, तो बच्चों और देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो गया था इसलिए रुक गए थे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या दिया है, सिंस tn इक्वल्स टू, सार्थक ने बताया tn इक्वल्स टू a + n - 1 × d, ठीक है? तो बेटा लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, राइट, क्या है 49। फर्स्ट टर्म a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, -11 प्लस n, तो फाइंड आउट करना है ये कौन सा टर्म है, यही तो पता करना है। तो वैसे एज इट इज लिख देंगे, d कितना है बेटा 3, तो (3) बेटा ये यहां माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 49 + 11 = n - 1 × 3। चलो बेटा तो 9 × 1 = 10 (1), 4 × 1 = 5 + 1 = 6, ठीक है? तो बेटा ये यहां देखो, इधर मल्टीप्लाई में है तो ये अभी इधर आएगा, बुलाओ, बोलो आओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में, तो सार्थक बेटा देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कुचुम कुचुम, तो क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 = n - 1, इधर माइनस वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, 20 + 1, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 21, तो 21 आ गया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब ये मतलब लास्ट वाला कौन सा टर्म है, 21 टर्म है, देयरफोर 49 इज 21 टर्म, 49 इज द वैल्यू ऑफ 21 टर्म,
अभी देखो लास्ट टर्म क्या है, 21 टर्म, देयरफॉर लास्ट टर्म इज व्हाट, 21 टर्म, ठीक है। ये लास्ट टर्म क्या है, 21 टर्म है, तो बेटा लास्ट वाला टर्म 21 है, तो लास्ट फोर्थ टर्म क्या होगा, देखो 21 20 19 18, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 21 में से 4 माइनस कर देंगे, वो 17 टर्म निकालेंगे, उनका पूरा टोटली गलत होगा। लास्ट से फोर्थ टर्म, तो देखो 1 2 3 4, 18th टर्म, कौन सा टर्म, 18th टर्म निकालना है, तो फ्रॉम लास्ट फोर्थ टर्म इज, सिंस अब यहां आएगा, सिंस लास्ट टर्म इज 21 टर्म, लास्ट टर्म इज 21th टर्म, देयरफॉर फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड दिया ना, इज 18th टर्म, कौन सा टर्म, 18th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, 18th टर्म, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 18th टर्म ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से मतलब एंड से फोर्थ टर्म क्या है, 18th, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंस tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो t18 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है माइनस 11, n की वैल्यू अब क्या हो गया ना 18 ना, n के प्लस पे 18 लिखा हूं, और d कितना है 3, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस 11 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू 3, तो माइनस 11 प्लस 51 तो कितना आएगा 40, राइट कितना आएगा 40। चल तो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया प्रॉब्लम सेट का, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इन एन एपी द 10th टर्म इज 46, 10th टर्म इज 46, 10th टर्म इज 46, थर्ड वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म इज 52, सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म इज 52, फाइंड द एपी, फाइंड द एपी, बच्चों एक चीज याद रखो, अगर कोई टर्म निकालना है या एपी निकालना है, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड द एनी टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और वांट टू राइट द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन वी शुड नो द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, इट मींस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, अगर ये मिल गया ना तो सब मिल गया, ये मिल गया तो सब मिल गया, इसका मतलब ए और डी निकालना है सर, इनडायरेक्टली यही बोलना चाहते हो, सही बोल रहा हूं यही, चलो तो यहां देखो, सिंस टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमको यहां से ए एंड डी निकालना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल गया ना, तो एपी तो ऐसे लिख देंगे, 3.1 में किया था ना थर्ड क्वेश्चन, चलो बच्चों यहां देखिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, टी टेन इक्वल्स टू ए प्लस टेन माइनस वन डी, तो टी टेन की वैल्यू क्या है 46, ए प्लस टेन माइनस वन कितना हो जाएगा 9, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, समझा। अब बेटा सिमिलरली इसको देखो, इक्वेशन नंबर दे दो, इसको 1 दो, इसको 2 दो, तो अभी देखो सिमिलरली टी फाइव क्या हो जाएगा सार्थक, ए प्लस 4d, ठीक है, जितना यहां रहेगा उससे कम डी होगा, व्हाट अबाउट टी सेवन, ए प्लस 6d, समझा बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए, तो अभी इनकी वैल्यू कहां पुट करना है, यहां पे कहां पुट करना है, T5 के प्लेस पे A प्लस 4D लिख देना है, T7 के प्लेस पे A प्लस 6D लिख देना है, समझा। तो सार्थक बेटा क्या बोलेंगे यहां पे देखो, फ्रॉम 1, 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस 4D प्लस A प्लस 6D इक्वल्स टू 52, समझा। तो सेम चीज इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको या तो यहां पे 46 लिखो या तो a प्लस 9d इक्वल्स 46 बराबर ही है, ठीक है। तो अब यहां देखो बेटा क्या हो जाएगा, a और ये कितना हो जाएगा 2a, समझ रहे हो बेटा, नहीं समझा, चलो 4d एंड 6d कितना हो जाएगा 10d इक्वल्स टू 52, ठीक है। इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है, हाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन ले लो, या तो बोलो हमरा मनवा तोहरा मनवा का मनवा, तो कॉमन लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, दिव्यांशु क्या आएगा बेटा, a बचा और 2 फाइव जा 10,
डी इक्वल्स टू 52, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, ए प्लस 5d इक्वल्स टू 52 अपॉन 2, कुचुम कुचुम 26, 2 जा 52 होता है 26, मेक इट इक्वेशन नंबर 5। तो क्योंकि मैं इधर ऐसा लिखा हूँ तो इसको भी 26 को इधर लिख दे रहा हूँ, 26 इक्वल्स टू ए प्लस 5d, समझा सार्थक, इक्वेशन नंबर 5। सार्थक बेटा यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कुछ कुछ हो जाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन ये कौन सा इक्वेशन है 2 एंड ये कौन सा इक्वेशन है 5। तो सार्थक बेटा इसको लिख देना है 46 इक्वल्स टू ए प्लस 9d, ए प्लस 9d, और ये क्या है 26 इक्वल्स टू ए प्लस 5d। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, साइन चेंज, क्या होता है साइन चेंज। तो साइन चेंज हुआ कुचुम कुचुम, इधर क्या हो जाएगा 20, यहां क्या हो जाएगा 4d, क्या हो जाएगा 4d, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में 20 अपॉन 4 इक्वल्स टू डी, तो 4 5 20 d इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू क्या हो गया 5, समझा बच्चों। अब देखिए अब d की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन आप 2 में पुट कर दो या इक्वेशन 5 में, ठीक है, दोनों में से किस में 5 में पुट कर दो, आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 क्या है 26 इक्वल्स टू ए प्लस 5d, ए प्लस 5d, मेरे प्यारे बच्चों 26 इक्वल्स टू ए प्लस 5 इंटू डी, डी कितना है 5 है, 5 इंटू 5 25, तो 26 इक्वल्स टू ए प्लस 25, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 26 माइनस 25 ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर ए मिल गया डी मिल गया दुनिया ही जा सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, तो ए मिल गया है डी मिल गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हो क्या, सिर्फ आराम से लिख सकते, यहां दिखता होगा तो यहां लिख दे रहा हूं। तो देखो एक मतलब टी वन मतलब 1, टी वन मिल गया, अगर टी टू क्या होता है टी वन में डी जोड़ेंगे फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे टी टू आएगा, ठीक है, पीछे वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो आगे वाला आएगा, पीछे वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो आगे वाला आएगा, टी वन प्लस डी, टी वन 1 प्लस 5 6, टी टू मिल गया ना ये, अब देखो टी थ्री क्या होगा टी टू प्लस डी, टी टू कितना 6, डी कितना 5, तो 11, बस 3 टर्म निकाल दिया ना, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख देने का, देयरफॉर एपी इज क्या लिखोगे 1, 6, 11, --, समझा। चलो आई होप आपको समझा होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है बच्चों, द एपी इन विच फोर्थ टर्म इज -15। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बोला है ऐसा एपी जिसमें फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म इज -15 एंड नाइन्थ टर्म इज -30। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, फाइंड द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट 10 नंबर या फर्स्ट 10 टर्म। मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होता है sn, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर क्या होगा s10, समझा, समझ रहे हो, एकदम हलवा होता है पर समझने का देरी रहता है। चलो फिर से मैं क्वेश्चन बता दूं, फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, द एपी इन विच फोर्थ टर्म इज -15, फोर्थ टर्म मतलब t4 इक्वल टू -15, नाइन टर्म इज -30, t9 इक्वल टू -30,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, वहां नंबर जानबूझ के लिखा है, 10 टर्म समझना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, समझा? चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये भी फाइंड आउट करना है तो भी आपको क्या पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, ए एंड डी, अगर ए मिल गया डी मिल गया तो सब मिल जाएगा। चलो तो ए फाइंड आउट करने के लिए, डी फाइंड आउट करने के लिए पहले करना पड़ेगा टी एन का इस्तेमाल। सिंस सार्थक बेटा टी एन का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देयर फोर टी फोर क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, राइट, ए प्लस थ्री डी, और बेटा टी फोर की वैल्यू क्या है, माइनस 15, समझा बेटा? चल सिमिलरली टी नाइन क्या हो जाएगा, ए प्लस एट डी, ना देखो एक कम होता है ना, ए प्लस एट डी, और बेटा टी नाइन क्या है, माइनस 30, ए प्लस एट डी, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ पक्का समझ रहे हैं? अगर ये समझ गया, अब देखो अगर थोड़ा दिमाग रहेगा ना तुरंत पकड़ लोगे। यहाँ एक तो ऐसा है कि आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए निकाल दीजिए, डी निकाल दे, फिर बड़ा करके करिए, लेकिन एक बार यहां देखो प्रियांशु बेटा, इसको अगर हम लोग ऐड कर दे, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा 11d, क्या हो जाएगा, हाँ 11d, ठीक है। तो अब यहां पहले देखना है, चेक करना, अगर ये 9 आता रहता तो हम लोग क्या करते, इसको ऐड करते, क्यों दो, हम लोग ने देखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले में बाद में क्या आएगा, 9 आएगा, लेकिन 9 नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। देखो यहां के देखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा बेटा, माइनस 15 इक्वल्स टू ए प्लस 3d, माइनस 30 इक्वल्स टू ए प्लस 8d, ए प्लस, तो साइन होगा चेंज, इधर हो जा कुछ कुछ, ठीक है ये। अब देखिए यहां पे, यहां क्या आएगा, 15 बिगर नंबर का साइन है, क्या आएगा, बिगर नंबर साइन आएगा, और यहां क्या आएगा, माइनस 5d, यहां भी बिगर नंबर साइन आएगा, बेटा ये साइन इधर आ जाएगा ना, देयरफॉर 5d इक्वल्स टू माइनस 15, और d इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 5, 5 3 जा, तो देयरफॉर d इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब d मिल गया तो d को पुट कर देंगे, a मिल जाएगा, फिर SN का फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी निकाल लेंगे। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, वेरी गुड, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, माइनस 15 इक्वल्स टू a प्लस 3d, डी की जगह पे क्या लिख देंगे, डी की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस 3, ठीक है, माइनस 15 इक्वल्स टू ए माइनस 9, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, और 3 जा 9, इधर माइनस आएगा तो प्लस, तो माइनस 15 प्लस 9, तो बिगर नंबर का साइन आएगा, ठीक है, माइनस 6, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 6, ठीक है, बिगर नंबर का साइन आएगा बच्चों, माइनस 6, ए इक्वल्स टू माइनस 6, तो ए की वैल्यू मिल गया। अब देखो ए मिल गया डी मिल गया तो कुछ भी निकाल सकते, कुछ भी कर सकते, तो सिंस एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयर फोर एस 10 इक्वल्स टू 10 बाई टू टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 2a प्लस 9d, तो बेटा यहां देखिए 5, a की वैल्यू क्या है, माइनस 6, a की वैल्यू क्या है, माइनस 6, d की वैल्यू क्या है, माइनस 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 इधर हो जाएगा माइनस 12, माइनस 27, माइनस 27 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 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 तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 3 माइनस 39, तो बेटा देखो यहां पे 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 थ्री 15 और 4 90, तो एस 10 की वैल्यू क्या हो गया, माइनस 195, समझा, समझ गया? तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर ऑफ गिवन एपी
इज -195। आंसर लिखना है आपको, तभी जाके पूरा नंबर मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 2 APR गिवन, 2 AP दिया। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर फर्स्ट एपी, यहां ऐसे लिखना है, फॉर फर्स्ट एपी ठीक है, क्या दिया है, 975 ठीक है। और दूसरा जो एपी दिया है फॉर, मैं ऐसा लिख रहा हूं, फॉर सेकेंड एपी, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे सेकेंड एपी। ऐसे एग्जाम में भी लिखना है आप लोगों को, तो जो साइन करेगा उसको भी सिंपल होगा। तो 2 APR गिवेन, 975 एंड 24 21 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखो इसको। चलो अब यहां देखो बेटा, इफ nth टर्म ऑफ बोथ प्रोग्रेशन, बोथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इक्वल, दोनों का nth टर्म इक्वल है, जितना इसका tn है, इसका tn और इसका tn इक्वल है, इसका nth टर्म लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म इक्वल है, समझ रहे हैं, है ना। हाँ आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म, अगर ऐसा है ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब वो nth टर्म लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, इन दोनों का लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, n की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड tn, और क्या करना है, tn की वैल्यू, nth टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म का क्या है ठीक है। तो चलो हलवा है, देखते हैं हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहां लिख लें, हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है और nth टर्म की। तो देखो बच्चों इधर देखो, t1 इक्वल्स टू 9, t1 और a, इधर देखो बेटा बात नहीं करना, t2 इक्वल्स टू 7 ठीक है, और t3 इक्वल्स टू 5, therefore d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, 7 माइनस 9 होता है -2। अब देखेंगे tn इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे सिंस tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a कितना है 9, एन पता नहीं, डी कितना है -2, तो ए प्लस -2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू प्लस माइनस और एन, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 -2n, तो इसका nth टर्म कितना हो गया 11 -2n, समझा। अब आगे देखो बच्चों, यहां देखो, अब देखो यहां पे इसका फर्स्ट टर्म t1 24, सेकेंड टर्म 21 और थर्ड टर्म कितना है 18, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, 21 माइनस 24 माइनस 3 आया डिफरेंस, तो देयर सिंस tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, therefore tn equals to a की वैल्यू कितना है यहां पे 24, n माइनस 1 इंटू d ठीक है, therefore tn equals to 24 माइनस 3n प्लस 3, 27 माइनस 3n ठीक है, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, देखो क्या किया बेटा, माइनस 3 का n में भी मल्टीप्लाई किया ठीक है, माइनस 3n हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 1 जा 3, समझा, 24 और 3 27, इतना समझ रहे हैं आपको, ये हो गया tn की वैल्यू। अब एज पर द कंडीशन, अब यहां तक तो हो गया इनकी वैल्यू, अब कंडीशन पे आते, ये सॉल्व करना है फिर ये सॉल्व करना है। अब कंडीशन क्या दिया है, फॉर बोथ एपी देयर nth टर्म इज इक्वल, देयर nth टर्म इज व्हाट इक्वल, लास्ट वाला टर्म सेम है, लास्ट वाला टर्म सेम है, मतलब ये इक्वल टू ए, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन या एज पर द कंडीशन, इनके लास्ट टर्म क्या है, इक्वल है, लास्ट टर्म क्या है, जितना ये है उतना ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है और nth टर्म की, तो देखो बेटा उसको बोलो आओ, इसको बोलो जाओ, तो 2 माइनस 2n और प्लस माइनस 3n इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस 3n, और 27 तो उधर पहले से, इधर 11 जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 11,
तो क्या होगा, बिगर नंबर का साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, देयर फोर एन इक्वल्स टू माइनस कर दो 6 1 16। तो लास्ट टर्म जो n की वैल्यू है वो क्या है, 16 है, मतलब इसका लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, 16th टर्म, देयरफॉर लास्ट टर्म इज 16, देयरफॉर लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी इज t16, मतलब 16th टर्म। अब हमको n टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है, nth टर्म इज इक्वल्स टू, देखो nth टर्म किस, कौन से टर्म का, nth टर्म, और लास्ट टर्म इसका nth टर्म ही क्या है, 16 है, हाँ tn, nth टर्म इज नथिंग बट t16, क्या है t16, तो क्या हो जाएगा, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो therefore t16 इक्वल्स टू a की वैल्यू पता है, चाहे इसका वैल्यू ले लो चाहे इसका, आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है, तो चलो यही ले लो, 9 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस 2, इसमें माइनस डी कितना है माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 15 इंटू माइनस 2, ठीक है 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 30, तो क्या आ जाएगा माइनस 21, माइनस 21, ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। समझा बेटा ये, नहीं समझा, चलो क्वेश्चन नंबर 6। इफ सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी, थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 7, एपी इज व्हाट, 7, समझा, मतलब थर्ड टर्म और एट्थ टर्म को ऐड करने पे 7 आता है, सम का मतलब क्या, ऐड, ठीक है। और दूसरा बोला है बेटा, दूसरा आगे क्या दिया है, सम ऑफ 17th टर्म, सॉरी 7th टर्म एंड 14th टर्म इज माइनस 3, इज माइनस 3। तो बच्चों देखो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, इफ सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 7, थर्ड टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एपी कितना है, उनका सम कितना है, 7 है, एंड सम ऑफ 7th टर्म एंड 14th टर्म ऑफ एपी इज माइनस 3, देन फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। तो ये तो आप यूं ही कर सकते हैं, मैंने भी कुछ देर पहले ही बोला था कि कोई टर्म फाइंड आउट करना है या एपी लिखना है, एपी फाइंड आउट करना है, आपको क्या पता होना चाहिए, ए और डी की वैल्यू, ए और डी की वैल्यू, फिर आग लगा देंगे, टीएन का फॉर्मूला यूज करना है, खत्म कर देना। चलो तो क्या लिखेंगे, सिंस टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर t3 इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस 2d, ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो सिमिलरली t8 क्या हो जाएगा, ए प्लस 7d, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। सिमिलरली t7 क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d, दे दो इक्वेशन नंबर 5। समझ रहे बेटा, t14 क्या हो जाएगा, a प्लस 13d, समझा। अब देखो बेटा, अब इन सब की वैल्यू यहां पुट कर, क्या पुट करना है यहां पे, चलो तो t3 की जगह पे क्या पुट करना है, ये तो फ्रॉम 1, 3 एंड 4, देखो t3 की वैल्यू भी इसमें है, इस इक्वेशन में, t8 की इसमें, और किसमें पुट करना है, 1, 3, देखो 1, 3, 4, फ्रॉम 1, 3, 4, फ्रॉम स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4, तो बेटा इसके जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस 2d, इसके जगह क्या आएगा, a प्लस 7d इक्वल्स टू 7। तो बेटा यहां क्या हो जाएगा, a और a 2a, 7 और 2 9d इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 7।
अब देखो, अब इसमें इक्वेशन टू में सेवन टी सेवन और टी फोर्टीन की वैल्यू पुट करना है। टी सेवन कहाँ है? फाइव, और टी फोर्टीन कहाँ है? सिक्स में। तो फ्रॉम टू फाइव सिक्स, फ्रॉम टू फाइव सिक्स, टू फाइव एंड सिक्स, टू फाइव एंड सिक्स। तो बेटा अभी इसमें देखिए, इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या है a प्लस सिक्स डी, ये क्या है a प्लस थर्टीन डी इक्वल्स टू माइनस थ्री, ए प्लस सिक्स डी ए प्लस थर्टीन डी इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, a और a, टू a, इधर नाइनटीन डी इक्वल्स टू माइनस थ्री, इक्वेशन नंबर नाइन। एट हो चुका है, सेवन, सॉरी सेवन हो चुका है, अभी क्या देंगे एट। तो अब देखिए, अब इन दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फिर पुट कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन सेवन एंड एट। तो सेवन क्या है, ये है, और एट क्या है, ये है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, टू ए प्लस नाइन डी इक्वल्स टू माइनस माइनस, सॉरी यहां पे सेवन है, 2a प्लस नाइन डी इक्वल टू सेवन, और यहां देखिए 2a प्लस नाइनटीन डी इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो बच्चों साइन चेंज होगा, इधर प्लस हो जाएगा कुछम कुछम, यहां क्या आएगा माइनस टेन डी इक्वल्स टू टेन इक्वल्स टू टेन, तो माइनस और चला जाएगा ना, तो टेन डी इक्वल्स टू माइनस टेन, देयर फोर डी इक्वल्स टू माइनस टेन पॉइंट टेन कुछम कुछम, तो देयर फोर डी इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। D मिल गया, अब D की वैल्यू पुट कर दो, A मिल जाएगा इक्वेशन सेवन में या तो एट में। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन सेवन, तो क्या है 2A प्लस नाइन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है वन इक्वल टू सेवन, तो 2A 2a प्लस इंटू माइनस माइनस सेवन डी, तो देखो नाइन वन जो नाइन प्लस इंटू माइनस 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 नाइन, तो 2a इक्वल्स टू, इधर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, नाइन और सेवन सिक्सटीन, 2a इक्वल्स टू सिक्सटीन, तो a इक्वल्स टू सिक्सटीन अपॉन टू, टू टू कुछ कुछ, देखो टू एट जा सिक्सटीन ना, तो a की वैल्यू क्या मिल गया एट। अगर a मिल गया, d मिल गया, तो हमको क्या फाइंड आउट करना था, टी टेन, टेंथ टर्म, क्या फाइंड आउट था, टेंथ टर्म ऑफ एपी, यही फाइंड आउट करना है ना, टेंथ टर्म ऑफ एपी, मतलब टी टेन फाइंड आउट करना है। तो आप आराम से निकाल सकते हो, इधर दिख रहा है ना बच्चों, चलो तो क्या लिखेंगे, सिंस टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देयर फोर टी टेन इक्वल्स टू ए प्लस, ए की वैल्यू क्या है एट, एन की वैल्यू क्या है टेन, माइनस वन इंटू डी कितना है माइनस वन, ठीक है, डी कितना है माइनस वन, तो क्या हो जाएगा ए एट प्लस टेन माइनस वन नाइन इंटू माइनस वन, तो एट प्लस इंटू माइनस माइनस नाइन इंजा नाइन माइनस वन, टी टेन की वैल्यू भी क्या आएगी माइनस वन। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो टी टेन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी माइनस वन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, समझा बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, बच्चों समझ रहे हैं कि नहीं, चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्या दिया है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज माइनस फाइव, द फर्स्ट टर्म इज माइनस फाइव, फर्स्ट टर्म मतलब ए मतलब टी वन क्या दिया माइनस फाइव, एंड लास्ट टर्म इज 45। इफ द सम ऑफ ऑल नंबर इन एपी, सम ऑफ ऑल नंबर इन एपी इज 120, अगर सम ऑफ ऑल नंबर, समझो सम ऑफ ऑल टर्म इन एपी इज व्हाट 120, मतलब एस एन इक्वल्स टू 120, ठीक है, देन हाउ मेनी टर्म आर देयर, तो कितने टर्म है, तो एन की वैल्यू क्या है, कितने मतलब एन, कितने टर्म है मतलब एन, क्या एन मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एन हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, मतलब डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है। चलो
तो नंबर ऑफ टर्म एंड डी की वैल्यू। चलो बच्चा देखते हैं, यहां देखो। तो सबसे पहली बात यहां देखो, SN का मैं दो फॉर्मूला सिखाया था, कितना फॉर्मूला सिखाया था, दो। चलो देखो बड़ा बड़ो, SN इक्वल्स टू N अपॉन टू टू ए प्लस N माइनस वन इंटू डी। दूसरा क्या बताया था, SN इक्वल्स टू N बाय टू टी वन प्लस टी एन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद है ना, याद है ना। देखो हलवा हलवा, फर्स्ट टर्म दिया लास्ट टर्म दिया, हलवा बना देंगे, ठीक है। चलो हलवा बन चुका है, ये वाला लगाएंगे। चलो तो SN इक्वल्स टू N बाय टू टी वन प्लस टी एन, तो SN की वैल्यू कितना है 120, N बाय टू टी वन कितना है माइनस फाइव, टी एन क्या है 45। तो ये यहां बेटा यहां क्या है डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 120 इंटू टू या तो 240 दिशा तो सीधा, तो N इंटू इधर देखो बेटा क्या हो जाएगा 40। बिगर नंबर का साइन आएगा, बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा। नहीं समझ रहा बेटा, समझ रहा होगा। चलो अब यहां मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में 120 इंटू टू अपॉन 40 इक्वल्स टू आंसर तो हलवा है 3 2 6, तो कितने टर्म है 6 टर्म है, कितने टर्म है 6 टर्म, कितने टर्म है 6 टर्म, हलवा है कि नहीं 6 टर्म है। अब देखो देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस मतलब लास्ट वाला टर्म कौन सा पता है 6 टर्म है, एन की वैल्यू मिल गया ना, देयरफोर लास्ट टर्म टर्म ऑफ गिवन एपी इज 6 टर्म, therefore T6 equals to 45, T6 क्या है 45, समझा। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, तो TN equals to A plus N minus 1 into D। अब देखो T जो लास्ट वाला टर्म है वो क्या है 6 टर्म है, कौन सा टर्म है 6 टर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मतलब इस AP में कितना है 6 टर्म, यहाँ लिखेंगे आंसर, therefore in given AP there is 6 टर्म, how many टर्म 6 टर्म, यहाँ लिखना पड़ेगा ना बेटा, लिखोगे ना। चलो अब देखो यहाँ पे TN क्या था 6, T6 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है देख लो जरा, तो -5, ठीक है, और N के प्लेस पे 6 -1 इंटू D, D की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही तो फाइंड आउट करना है ना बच्चों। अब देखिए T6 की वैल्यू कितना है 45, क्या है 45 इक्वल्स टू -5 और 6 -1 क्या होगा 5D। बेटा यहां माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखो गुस्सा थूको बट्टो, इधर देखो बेटा पद्माची मिश्रा, इधर देख लो, इधर देख लो, यहाँ देखो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा 50, 90 नहीं बेटा 90 वो तो उधर मिलेगा ना, 50 क्या हो जाएगा बेटा 50 इक्वल्स टू 5D, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में, तो देयरफॉर D इक्वल्स टू 50 अपॉन 5 कुचुम 10, D का वैल्यू मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। सोचो इतना हलवा है कि नहीं, खत्म हो गया ना। चलो तो आंसर लिख देना, therefore in given AP there is 6 term and common difference is what 10। चलो दो बेटा तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ 1 to nth term n natural number, sum of 1 to n natural number is 36, find the value of n। फिर से बोला है कि n की वैल्यू क्या होगा, लास्ट वाला क्या है, देखो n की वैल्यू क्या है, sum of इधर देखो बेटा 8th क्वेश्चन बोला है 1 से लेके नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर ऐसे होता पॉजिटिव में होगा, नेचुरल नंबर किस में होगा पॉजिटिव में ही होगा ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव होता है इनफिनाइट तक, ठीक है। बोला है सम ऑफ 1 टू n नेचुरल नंबर इज 36, मतलब SN इक्वल टू क्या दिया है 36, SN इक्वल टू 36, यहां पे A की वैल्यू क्या है 1 है, और डिफरेंस कितने का होता है नेचुरल नंबर 1 का, ठीक है, D की वैल्यू कितना 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ N, फाइंड द वैल्यू ऑफ N, N की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, SN इक्वल टू N बाय 2 2A, इसको और हलवा वाला भी कर सकते हैं, तो ये जो है ना लास्ट टर्म, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म कितना है n ही है, और हमको क्या बोला है कि सम ऑफ पूरा 1 टू n तक का सम कितना होता है 36, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, n बाय टू टी वन प्लस टी एन, टी वन प्लस
टीएन है कि नहीं, अपने को फर्स्ट टर्म पता है, अपने को लास्ट टर्म पता है ना, लास्ट वाला वैल्यू पता है। तो क्या है एस एन इक्वल्स टू क्या है पूरा वन टू एन तक का सम कितना है 36, एन बाई टू ये वन है, ये क्या है एन है, समझा कि नहीं, हलवा है कि नहीं। चलो इधर आएगा तो 72, देखो मल्टीप्लाई हो गया बेटा 36 इंटू टू 72, एन इंटू वन प्लस एन करो मल्टीप्लाई, एन इंटू एन 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 इंटू एन एन स्क्वायर इधर 72, इसको बोलो आओ बुलाओ, तो उधर एन स्क्वायर है प्लस एन, इधर से आएगा क्या हो जाएगा माइनस 72, अब यहाँ क्या बचा जीरो, करो फैक्टराइजेशन लाओ आंसर। सर प्लस 9 और 8, प्लस 9 और 8 मल्टीप्लाई करने पे माइनस 72 और प्लस करने पे 1, तो 9 8 जा 72, ठीक है। तो यहां देखो देयरफॉर एन स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल्स टू 0, तो 9 n कॉमन ले लिया n प्लस 9 माइनस 8 कॉमन ले लिया n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो n प्लस 9 और n माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहां देखो n इक्वल्स टू माइनस 9 और n इक्वल्स टू 8, तो n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 9 बिकॉज नेचुरल नंबर नेवर बीन नेगेटिव, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, n यही है ना, n एक वैल्यू है ना, वो तो नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। देखिए इज नॉट इक्वल्स टू 9 बिकॉज नेचुरल नंबर नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू 8, आंसर लिख देना, समझा, यही फाइंड आउट करना था। दो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एन, समझा बेटा ये हलवा है कि नहीं, चलो सब हलवा है, इधर देखो एग्जाम भी हलवा ही आने वाला है, ठीक है। चलो बेटा इधर देखो श्रुति, इधर देखो श्रुति के मुंह में पानी आ गया, इधर देखो हलवा खराब में खुश हो जाती है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अब आगे देखो बेटा यहां क्या दिया है, डिवाइड द 207 इन थ्री पार्ट, डिवाइड द 207 इन थ्री पार्ट, 207 को थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन एपी, जो पार्ट्स होने चाहिए किसमें होने चाहिए, एपी में होने चाहिए, उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट विल बी, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट विल बी 4623, दो स्मॉलर पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, वो कितना होगा इतना। चलो अब पहले मैं समझाता हूं, मेरे पास 20 रुपए है, मेरे पास 20 रुपए, अभी एपी छोड़ दो पहले, और मेरे पास तीन बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सोचो तीन बच्चे, ठीक है, पॉज करो पेरेंट्स आ गए, चलो बच्चों पेरेंट्स आ गए थे, यहाँ देखिए तीन बच्चे, कितने बच्चे हैं, तीन बच्चे, मेरे पास 20 रुपए हैं और तीन बच्चे हैं। अब पहले एक को दिया 5 रुपया, दूसरे को दिया 8 रुपया, समझा, समझ रहे हो कितना हो गया 13, अब जितना बचा तीसरे को दे दिया, समझा 20। अगर ये अलग तीन पार्ट है, देखो ये तीन पार्ट में पैसा दिया, 20 रुपए को तीन जगह बांटा, तीनों बच्चे को दिया हमने, ठीक है, तो इनको अगर ऐड करेंगे 20 ही आएगा, सर सही बोल रहे हो, मतलब उनके पार्ट को ऐड करेंगे तो 20 ही आएगा, वैसे 207 का जो थ्री पार्ट होगा वो तीनों पार्ट को ऐड करेंगे तो 207 ही आएगा, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं, और इसके पार्ट किसमें है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में है, तो लेट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म ना, थ्री कंसेक्यूटिव पढ़े हो ना बेटा, तो लेट थ्री पार्ट ऑफ 207 बी ए माइनस डी ए ए प्लस डी, समझ रहे हो। चलो तो समझा रहे ये वाला कंसेप्ट, हाँ ये समझेगा भाई सबको, चलो अभी नहीं समझना ऐसा, चलो यहां देखो, आप देखो बच्चों लेट, क्वेश्चन नंबर 9 है ना बेटा, लेट थ्री पार्ट ऑफ 207 बी, ये नंबर याद रखना है अभी, बी एक्स माइनस सॉरी ए माइनस डी
ए ए प्लस डी, ये तीन पार्ट हो गए, ये तीन पार्ट हो गए, ठीक है। अब देखो एज पर द फर्स्ट कंडीशन, अभी मैंने बोला ये तीनों पार्ट को ऐड करोगे कितना आएगा, 207 ही आएगा ना। तो एज पर द फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 207। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ क्या हो जाएगा, 3a ना, 3 टाइम है ना, a a a 3a इक्वल्स टू 207, समझ रहे हो नहीं। इधर देखो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में, तो a इक्वल्स टू 207 अपॉन 3, 3 6 18 समझा। अभी इधर 2 बचा, इधर गया 27, 3 9 27, therefore a equals to 69। बहुत बढ़िया बच्चों, समझा। चलो तो अब क्या करना है, as per the second condition, second condition product of two smaller part is 4623। Smaller part, देखो छोटा वाला part, देखो मैंने starting के ही, देखो ये क्या है, increasing order में रहते, ठीक है, starting के दोनों छोटे होंगे, starting दोनों छोटे होंगे। तो a minus d into a equals to 4623। अब यहां पे a का value मिल गया, a का value मिल गया, तो a का value कितना है, इतना है, कितना है, इतना है 69 इक्वल्स टू 4623, यहां मल्टीप्लाई में, यहां आएगा तो डिवाइड में, तो 69 माइनस डी इक्वल टू 23 अपॉन 69। इसको देखो, देखो जरा, देखो इसको, देखो और देखते रह जाओगे, देख रहे हो क्या कर रहे हो सर, इधर करेंगे डिवाइड, करेंगे डिवाइड, देखो 3 से कट हो रहा है क्या, 10 और 5 15 और ये क्या दे रहा है 15, 3 से कट हो रहा है, किससे, 3 से, तो एकदम सिंपल नंबर से काटो, 3 से कट करो, 3 1 जा इधर 16, 3 5 जा फिर 1 आए इधर, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3, इधर 3 2 जा 3 3 जा 23 से कैंसिल होगा, होगा 23 से कैंसिल होगा, होगा, इधर ऐसा डिवाइड कर लो 1541 ना 23, सबको टेबल आता है, आता है। चलो 6 टाइम लेके जाओ, 6 3 जा 18 कैरी 1, ठीक है, 6 2 जा 12 और 1 13, समझा, माइनस करके दिखाओ, 6 इधर 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, ठीक है, अब कितना आ गया 61। अब कितने बार लेके जाओ, 5 टाइम, कितने बार लेके जाओ 5, 7 टाइम, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, तो 7 टाइम देखो, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, हो गया 67 टाइम, समझा, हलवा है कि नहीं, चलो 67। तो बेटा यहां देखो 69 माइनस डी इक्वल्स टू 67, समझा, therefore माइनस डी इक्वल्स टू 67 माइनस 69, therefore माइनस डी इक्वल्स टू माइनस 2, तो therefore डी इक्वल्स टू क्या हो गया है 2, क्या हो गया है 2, समझ रहा है, डी मिल गया है 2, डी कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है 2 मिल गया, तो सब मिल गया ना। चलो अब यहां पर यार पता इतना आ गया तो आगे हलवा हो गया, क्या हो गया हलवा, ए मिल गया डी मिल गया, तीनों पार्ट निकालेंगे, तीनों पार्ट निकालेंगे, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट कितना हो गया, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट क्या है बेटा, यहां पे a माइनस डी, a कितना है 69 माइनस डी कितना आएगा 67, ठीक है, a a a मतलब क्या 69, ये क्या है a प्लस डी, तो 69 प्लस 2 क्या हो जाएगा 71। तो यहां पे आंसर तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, आंसर लिखोगे देयरफॉर थ्री पार्ट ऑफ 207 इज 67 69 एंड 71, समझाना, हलवा है, क्या है हलवा। चलो बन गया है हलवा, अब बनाएंगे 10th को हलवा, ठीक है, सबको हलवा ही बनाएंगे क्योंकि ललुआ नहीं बना सकते ना, ललुआ एक ही,
चलो समझा। आगे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन मजेदार है। क्या है मजेदार है? इसमें मजा, इसमें इतना क्या मजा आ रहा है, इतना हंस रहा है, मार मार के हनुमान बना दूंगा बेटा। इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? देयर आर 37 टर्म। कितने टर्म है? 37 टर्म। कितने टर्म है? 37। समझ रहे हैं ना? इधर देख, इधर। हाँ चलो, तो देयर आर 37 टर्म इन एपी, द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडिल। जो एकदम डिक्टो बीच में, मिडिल में, 37 का बीच में क्या होगा? देखो इधर दे, एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो 37 यहां देखो बेटा, 1 to 17, 18, 19, 20, 21 और ये 37। देखो इधर से 17 छोड़ दो, उधर से 17 छोड़ दो, 17 और 17 कितना होता है? 34। कितना होता है? 34। कितना होता है? 34। कितना होता है? 34। ठीक है चलो, तो अब देखो, अगर 37 में 34 माइनस हो रहा, 3 ही बचेगा, मतलब बीच का 3 छोड़ के बाकी इधर का 17, इधर का 17, 17। देखो इधर 17 टर्म है और 21 से लेके, देखो यहाँ पे 21 से लेके 37 तक कितना है? 17। 17 उधर, 17 उधर, तो बीच वाले बचे ना, बीच वाले बचे ना, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? 17 इधर, 17 उधर, बीच के टर्म कौन से बचे हैं? 18, 19, 20। कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, सब तो दिखा दिया, ठीक है समझा। अबे इधर देख, कुछ भी समझता, इधर देखो 18, 19 और 20। ठीक है, तो दिव्यांश बहुत मार खाएगा। अभी क्या लिखेंगे? ठीक है, 3 द मिडिल टर्म, देयरफॉर द 3 मिडिल टर्म, 3 मिडिल टर्म टर्म्स ऑफ 37 टर्म एपी आर 18, 19, 20। समझा? समझाना, समझना पड़ेगा बेटा, हलवा है, समझ रहे हो? तो पहला क्या दिया है? द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडिल इज 225। उनका सम कितना है? 225। मतलब एज पर द फर्स्ट कंडीशन, एज पर द फर्स्ट कंडीशन, T18, T19, T20 इक्वल्स टू 225। समझा? एंड सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429। समझा? 429। सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429। पहले इनको कर दो, सेकेंड कंडीशन बाद में देखेंगे। अभी देखो एन का फॉर्मूला, टी एन वाला फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो यहां पे रहता है उससे एक कम डी आता है ना, जैसे 18 है तो 17 डी आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखते हैं, बाद में बता देंगे फॉर्मूला, रीजन दे देंगे। चलो, तो यहां क्या हो जाएगा? ए प्लस 17 डी, ए प्लस 18 डी, जितना टर्म रहेगा उससे एक कम डी आता, समझ रहे हो? ए प्लस 19 डी, ए प्लस 19 डी इक्वल्स टू 225। यहां रीजन वहां तो लिखना पड़ेगा ना, सिंस टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। समझा? इतना समझा ना? समझने पड़े भाई, ठीक है, ऐसा थोड़ी चढ़ गया इतना वाला, ठीक है, समझ रहे हो? तो ए बी देखो यहाँ पे 1, 2, 3 कितना हो गया है? 3 है। कितना हो गया है? 3 है। इधर देखो गुस्सा थूको, इधर देखो 17 और 18 और 19 कितना होगा? देखो, तो इधर देखो, इसमें से एक ज्यादा है 17 से, इसमें दो ज्यादा है। ठीक है, 17 3 जा 51, ठीक है, और 3 54 डी, कितना आएगा? 54 डी। समझा? समझना ही पड़ेगा। देखो चलो, इधर देखो, इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, क्या होना चाहिए? 3 कॉमन है, 3 सब जा रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो डायरेक्टली मैं लिख नहीं रहा हूं, कर दूं क्या 3 से डिवाइड? चलो
ए इधर कितना आएगा बोलो, 18, कितना आएगा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, चलो। तो इक्वेशन नंबर 1 एज पर द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म इज 429, सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म क्या होगा 37, 36, 35, ठीक है, समझ रहे हो? तो लास्ट थ्री टर्म 35, 36 और 37, वो कितना है 429, समझा बच्चों? इधर देखो तो यहां क्या हो जाएगा, therefore a plus 34d, a plus 35d, 35d, वेरी गुड। अब तो दिव्यांशु बोलने लगा है, ए प्लस 36d। इधर देखो तो यहां का देखो 35 और इधर 35 से एक ज्यादा है, ये जो एक ज्यादा है इसको दे दो तो ये भी 35 बन जाएगा ना, मतलब 3 टाइम 35 है ना, 35 3 जा 105 क्या होता है 105, समझा? इधर देखो 36 है ना, मतलब 35 से एक ज्यादा है और एक कम है, जो एक ज्यादा है इसमें मिला दो, 35 105 कितना हो जाएगा 105, तो 3a, तीन बार a है, 3a प्लस 105d इक्वल्स टू 429, समझ रहे हो? 3 से कट हो रहा है देख लो, 6 और 9 15, 3 डिवाइडिंग, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को समझना है, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है? तो 3 1 जा 3, इधर देखो 35 3 जा होता है 35 आ जाएगा, इधर देखो 3 1 जा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 143, समझ रहा है ना क्या है 143, क्या है 143, समझा? चलो दो इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फाइंड आउट क्या करना पता है, ठीक है, फाइंड आउट करना राइट एपी लिखना है। अगर ए मिल गया डी मिल गया सब मिल जाएगा, अगर ये मिल गया और वो मिल गया तो सब मिल जाएगा, ठीक है, ए और डी तो सब्ट्रैक करेंगे तो एक मिल जाएगा डी मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 18d इक्वल्स टू 75, a प्लस 35d इक्वल्स टू 143। तो ऊपर नीचे आगे पीछे किसको आपको अगर नहीं ऐड कर दिया आता सब ट्रैक करने तो जो बिगर रहेगा उसको ऊपर लिखने का, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए तभी आप कहीं किसी को भी लिख सकोगे कुछ। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 17d ना, क्योंकि 17 और 18 क्या होता है 35, और यहाँ क्या कहना है इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13 माइनस 5 8 और 68 माइनस 68, बिगर नंबर का साइन आएगा और बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कुछ, ठीक है, तो d इक्वल्स टू 68 अपॉन 17, 17 4 जा, समझ रहा है दिव्यांशु, समझ रहा है बेटा? चलो तो d इक्वल्स क्या हो गया 4, क्या हो गया 4। अब d की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 में, ठीक है, तो मिल जाएगा a, क्या मिल जाएगा a, चल तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 18d इक्वल्स टू 75, तो जहां d है वहां क्या लिखेंगे 4, तो a प्लस 18d, d की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू 75, देयरफॉर a प्लस 72, ठीक है, 18 4 जा क्या होता है 72 इक्वल्स टू 75, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 75 माइनस 72, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3, समझा बेटा? a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप ही लिख देंगे, ठीक है, हलवा बना देंगे, चलो a t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3, ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गया, दो तीन टर्म निकाल के लिख देना है,
टी टू कितना हो जाएगा, टी फर्स्ट टर्म में उसके पीछे वाले टर्म में डिफरेंस जोड़ेंगे आगे वाला आएगा टी वन प्लस डी, तो थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा सेवन, डी कितना है फोर है, चलो टी थ्री टी टू प्लस डी कितना हो जाएगा सेवन प्लस फोर इलेवन, टी फोर निकाला वो भी निकाल दो, कब तक निकालोगे निकालते रहो, इलेवन प्लस फोर समझा, ये निकालना है समझा क्या, अब तो दिव्य अपनी आंसू मत बन जा समझा, कुछ भी निकाले इधर देखो, तो देयर फॉर एपी इक्वल्स टू एपी इज क्या हो जाएगा दिव्यांशु, थ्री प्लस सेवन, तो थ्री कॉमा सेवन कॉमा इलेवन कॉमा फिफ्टीन कॉमा डैश डैश डैश, ठीक है चलिए फटाफट करके दिखाइए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा वो आप जाके वीडियो देखिए, आज ही अपलोड हुआ है जस्ट, उसका छोटा वीडियो अलग में अलग अलग अपलोड कर दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, तो ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, हो सकता है आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो पूरा दिल दिमाग सब इस क्वेश्चन को दे दो, ठीक है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, सेकेंड टर्म इज बी, सेकेंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म इज सी, देखो तो क्वेश्चन क्या है इलेवन वाला, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मतलब ए, मतलब एक उसकी वैल्यू भी ए ही है, वैल्यू भी क्या है ए है, एंड सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज बी एंड लास्ट टर्म इज व्हाट सी, लास्ट टर्म क्या है सी है, अब ये एपी है, एपी है, एपी में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, देयरफॉर डी इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन, मतलब बी माइनस ए, ये है कॉमन डिफरेंस, ये है कॉमन डिफरेंस, ये क्वेश्चन हो समझा है ना, अब आगे देखो, देन सो दैट सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म जो भी टर्म रहेगा पूरा टर्म मिला के सो दैट करना है, क्या है ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू इंटू बी माइनस ए, टू इंटू बी माइनस ए, चलो करके देखते, करके देखते, तो बच्चा अपने को सबसे पहले ये निकालना है कितना टर्म है इसमें, सो दैट सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म इक्वल्स टू ये, तो अपने को लास्ट टर्म दिया है पर ये कौन सा टर्म है ये नहीं पता है, ठीक है लास्ट टर्म तो दिया है पर लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, एन की वैल्यू पता है क्या, अगर इसकी वैल्यू पता चल जाएगा तो उतना टर्म का मैं क्या कर दूंगा सम कर दूंगा, ठीक है समझ रहे हो, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा tn, क्या लगाना पड़ेगा tn, tn equals to a plus n minus 1 into d, समझा tn क्या है बेटा c a plus n minus 1, d कितना है b minus a, तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहां क्या है प्लस, इधर आएगा तो माइनस, c minus a equals to n minus 1 into b minus a, तो बेटा अब आ रहा है बच्चा अब वही वीडियो वाला हाल होगा, इधर ये हम मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो b माइनस ए सी अपॉन ए, देखो c माइनस ए अपॉन b माइनस ए इक्वल्स टू n माइनस वन, इधर देखो माइनस वन है ना बेटा, देखो अभी तक मैंने क्या किया कुछ नहीं किया, tn की वैल्यू पुट कर दिया, a का वैल्यू a ही है, n माइनस वन, d का वैल्यू क्या है b माइनस ए, यहाँ प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया, समझ रहे हो मैंने जस्ट ब्रैकेट डाल दिया, चलो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, समझा इतना हाँ है ना, चलो देयरफॉर सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, यहां से माइनस वन इधर आएगा क्या होगा प्लस वन, अब यहाँ कुछ नहीं तो वन है, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है देयरफॉर सी माइनस ए प्लस, इसका मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू वन बी माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, चलो अभी क्या मिला ना, अभी क्या मिला बी की वैल्यू, ऐसा बी की वैल्यू नहीं एन की वैल्यू, मतलब कितने टर्म है इतने टर्म, कितने टर्म है इतने टर्म है, देयरफॉर एन इक्वल्स टू सी माइनस ए, अब इसको सॉल्व भी कर लो पहले सी माइनस ए, और देखो यहाँ पे प्लस बी माइनस ए अपॉन
बी माइनस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी और प्लस बी को आगे लिख दे रहा हूं क्योंकि इस फॉर्मेट में ला दे रहा हूं। चलो प्लस बी प्लस सी माइनस ए और माइनस ए माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। इतने टर्म है जो n की वैल्यू है, कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी अपने को n की वैल्यू मिल गई, अब क्या निकालेंगे, Sn। चलो तो हलवा वाला पेपर बताऊंगा, डोंट वरी। अब अपने को लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, Sn मिल जाएगा, मिल जाएगा, और n की वैल्यू, तो Sn इक्वल टू जो फॉर्मूला बताया हूं n अपॉन टू टी वन प्लस टी एन। हलवा एक स्टेप में लाऊंगा, ऐसा दो स्टेप। चलो n की वैल्यू पता है, इधर देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, समझ रहे हो। ये देखो n n बाई टू को मैं ऐसा लिख दूं, वन अपॉन टू इंटू एन लिख दो, लिख सकते हैं ना, तो वन बाई टू को थोड़ा बाहर लो क्योंकि आपको एकदम इजी में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। n की वैल्यू जो है लिख दो, क्या है, बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, इसलिए बताया क्योंकि ये बताना था कि टू इसके साथ ही रहेगा, वन का ऊपर मल्टीप्लाई होगा टू का इधर, और अभी आगे क्या है ब्रैकेट में, देखो टी वन मतलब ए और टी एन क्या है सी, तो टी वन क्या है ए और टी एन क्या है सी, आंसर आ गया। देखो तो इसको आगे लिखना है मल्टीप्लाई में, आगे पीछे लिख सकते हो ना, तो क्या लिखना है, ए प्लस सी फिर बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू इंटू बी माइनस ए, यही प्रूफ करना था क्या, हो गया है। देखो तो इसी के साथ अपना प्रॉब्लम सेट होता है खलास, समझा क्या। चलो यही मांगता है, क्या लिखेंगे, यही मांगता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि हर दिन अभी लाइव लेक्चर चल रहा है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छोटे वीडियो में बड़े वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंचाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगर बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं, और अपने हर एक फ्रेंड को शेयर करिए, हर एक दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा छूट ना जाए महाराष्ट्र में जिसको ये क्वेश्चन में पढ़ाया रहा वो बोर्ड में और न कर पाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और हर एक बच्चे का हेल्प करिए। चलिए।